है कि वो लक्ष्मण रेखा थी है ना कि वो लक्ष्मण रेखा उन्होंने ड्रॉ कर दी और कह दिया कि इसके जो भी पार करे पार नहीं जो इसके अंदर तक हो आप सेफ हो ठीक है वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा की बात ही नहीं है पहली बात तो रावण के पास अगर वो था भी वो पुष्पक विमान का आप पूछ रहे हैं है ना वो पुष्पक विमान अगर रावण के पास था भी तो भी रावण साइंटिस्ट नहीं बन सकता तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में और आज का जो पॉडकास्ट है ना ये हमारे लिए भी एक बहुत ही नए जॉनर का पॉडकास्ट है और पहले ही हम जनता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ले अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो और आज के जो हमारे गेस्ट हैं अमी गनात्रा जी हैं जो कि रामायण और महाभारत में इनकी एक्सपर्टीज़ है इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी है तो हमने कहा कि आज आ, इस टॉपिक पे कुछ चर्चा हो जाए थोड़ी स्पिरिचुअल बातें हो जाए हमें भी बहुत इंटरेस्ट था कि हमें भी जानना यार इस बारे में जैसे कि यूथ जान रहे हैं आजकल बिल्कुल तो हमें भी ये था कि बहुत हमने जितना पता था वो मूवीज के थ्रू या फिर मतलब बचपन में जो एनिमेटेड मूवीज देखी है क्योंकि जो रामायण टीवी पे आती थी तब तो हम बहुत ही छोटे थे या शायद पैदा भी नहीं हुए थे तब तो हाँ। देखी नहीं है और जो नई वाली आती है उसके लिए घर वाले कहते हैं कि ये ये मत देखो पुरानी वाली देखो उसमें ज़्यादा अच्छे से बताया हुआ है हाँ <laughs> और जो भी टीवी पे चीज़ें आती हैं स्टोरीज आती हैं वो मुझे ऐसा लगता है बहुत एडिट हो जाती है क्रिस्प करी जाती है हाँ। चीज़ें ताकि वो थोड़ा मिर्च मसाला और थोड़ा सा चीज़ें डाल के पर आज हम जानेंगे ऑथेंटिक चीज़ें तो थैंक यू सो मच मैम एक तो आप स्पेशली आए अपना टाइम निकाल के कैसे हो आप पहले तो ये बताओ बहुत बढ़िया नमस्ते आप सबको आपके दर्शकों को बहुत बहुत खुशी है आप सब यंगस्टर्स से मिलकर के आप इतना <laughs> इतना इतनी रुचि ले रहे हो इन इन विषयों में बिल्कुल मैम जैसे है कि आ, अपना इतिहास पता हो ना तो कहते हैं कि अगर आपको अपना फ्यूचर जानना है तो एक बार अपना पास्ट भी आपको पता हो तो आइडिया आपको हो जाता है तो बिल्कुल ये हमारा पास्ट है और हमारे धर्म से जुड़ी बातें तो हमें पता होनी चाहिए सबको तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सब ने रामायण देखी है सुनी है तो रामायण हमें वहीं तक पता है कि राम जी सीता जी को ले आए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों को जहाँ तक पता है लव कुश जी के चैप्टर तक हमें पता है पर हमें ये नहीं पता कि राम जी ने लक्ष्मण जी ने सीता जी ने अपना शरीर कब छोड़ा mm. वो मतलब कब टाइम आया कि उनका जो अर्थ पे जिस मकसद हाँ था वो पूरा हो गया पता है कि अग्नि परीक्षा हुई लव कुश के बारे में जाना बस ज्यादा से ज्यादा हाँ आपने आपने शुरुआत ही कंट्रोवर्सी से की है <laughs> <laughs> तो अधिकतर अगर रामचरितमानस हम देखें तो उसमें इसके आगे कुछ नहीं है ठीक है आ, परंतु अगर हम वाल्मीकि रामायण देखें तो उसमें ओवरऑल महाभारत के रामायण के छः या सात कांड अभी मैं छः या सात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ लोग छः कांड ही मानते हैं अगर आप छः कांड और कांड का अर्थ है कि सेक्शंस, ठीक है अगर आप छः सेक्शंस ही मानोगे तो उसमें भी उनका जो राज्यभिषेक श्रीराम का होता है वहां तक ही है ठीक हाँ। है परंतु जो कॉन्ट्रोवर्सी की बात है वो आता है उत्तर कांड में Okay. उत्तरकांड कांड है बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं उत्तरकांड नहीं है जो आ, पर कुछ ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं वो कहते हैं कि नहीं उत्तरकांड है और वो वाल्मीकि जी ने लिखा है तो इसका इसका उत्तर एग्जैक्टली exactly क्या है ये नहीं पता चल अब तक नहीं पता जो जिसकी श्रद्धा वैसे वो मानते हैं ठीक है पर उन्होंने अपना देह कब छोड़ा ये वाली जो कथा है वो उत्तरकांड की कथा है ठीक है अच्छा। तो मैं उसमें क्या है वो बता देती हूं परंतु उत्तरकांड है या नहीं क्योंकि मैं उत्तर दे रही हूँ उसका उत्तर मुझे पता है उत्तरकांड है या नहीं इसका उत्तर नहीं है ये ठीक है ये तो इवेंचुअली जिसकी जैसी श्रद्धा है हाँ। क्योंकि पुस्तक में भी मैंने उत्तरकांड की जो कथा है लिखी है उसको मैंने अलग से लिखी है okay. क्योंकि वी डोंट हैव अ डेफिनेट आंसर ऑन दैट तो एनीवेज तो सीता जी का देह त्याग देहत्याग भी हम नहीं कह सकते पर वो जो दूसरी बार पहली बार तो जो अग्नि प्रवेश की कथा है जब वो अपना जो सतित्व है वो उन्होंने प्रूव करा और फिर वापस आते हैं और राज्यभिषेक होता है होता है वो सब बात है उसके पश्चात बहुत वर्ष राम जी श्री राम सीतामा सब लोग अयोध्या में रहते हैं एंड सीता माँ इज प्रेग्नेंट ठीक है लवकुश के साथ तो फिर वो जो कहानी है सीता सीता माँ के त्याग की कहानी ये सब जो कही जाती है कि फिर जंगल में जन्म होता है लवकुश का वाल्मीकि जी के आश्रम में और फिर उनको वाल्मीकि जी जो है वो रामायण की कथा श्री राम की कथा श्रीराम के जीवन की कथा को सुनाते हैं ठीक है और फिर श्रीराम का एक अश्वमेध यज्ञ चल रहा होता है तब उनको तब ये लोग बारह तेरह वर्ष के हो गए तब वाल्मीकि जी इन बच्चों के साथ वापस राज्य में आते हैं उस यज्ञ में भाग लेने के लिए अतिथि के तौर पर और तब ये जो दोनों बच्चे हैं वो रामायण का कथन कर रहे हैं गायन कर रहे हैं तो उनको गायन करते सुनकर एक बार श्री राम उनको सुनते हैं और उनको अपने महल बुलाते हैं कि जहां यज्ञ चल रहा है वहां बीच बीच में जब भी ब्रेक मिले तो आप रामायण का वो जो कथा सुना रहे होते हैं उसका गायन करो तो उस टाइम वो गायन के द्वारा अब सबको पता चल जाता है कि अरे ये जो है वो लवकुश है और ये श्रीराम के ही बच्चे हैं ये सबको पता चल जाता है फिर उस समय फिर वापस श्रीराम कहते हैं कि अच्छा सीता माँ को भी बुलाओ और वो कहते हैं कि मुझे तो कभी भी आपके सतीत्व पे कभी भी कोई संशय था ही नहीं पर जो अपवाद फैला था अयोध्या में इसके कारण जो करना पड़ा वो करना पड़ा ठीक है अब इस प्रश्न पे क्योंकि अब मैं ये उत्तरकांड की कहानी बता रही हूं तो मुझे थोड़ा सा और समय लेकर इस प्रश्न को इस विषय को भी थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा नहीं तो वापस वही लोग कहना शुरू कर देंगे कि अरे ये तो मिसोजनिस्ट है सीता जी को त्याग दिया अन्याय हो गया वगैरह है ना तो इस पर मैं और इसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी एनी तो तब सीता और वो कहते हैं कि एक बार आप सबके सामने कह दो अयोध्या वासियों के सामने कि आप पवित्र हैं और फिर आप मेरे पास आ जाइए आप वापस अयोध्या की महारानी बन जाइए तब सीता कहती है कि नहीं आप जानते हैं मैं पवित्र हूँ और ये जो सारे तत्व है सब जानते हैं कि मैं पवित्र हूँ ठीक है तो इन सबका साक्षी लेके मैं आप चाहते हो तो मैं प्रण भी लूंगी इन सबको साक्षी मानके मैं प्रण लेती हूँ कि अगर मैं पवित्र हूँ तो हे धरती माँ आप मुझे अपने अंदर सम्भालो ठीक है तो क्योंकि वो सतीत्व तो उनका था ही है ना वो सती थी ही उन्होंने श्रीराम के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा नहीं था तो इसलिए ऐसा प्रसंग है ऐसा वर्णन है कि उन्होंने तीन बार ये कहा कि अगर मेरे मन में कभी राम श्रीराम के अलावा कोई और नहीं हो तो हे धरती माँ मुझे आप इसमें संभालो अगर मेरा सतित्व है वगैरह वगैरह तो आप मुझे समालो तो ऐसा फिर वर्णन है कि धरती उनको समा लेती है अपने अंदर क्योंकि उनका जन्म भी हमें पता नहीं कैसे हुआ पर वो राजा जो है जनक उनको खेत में भूमि में मिले थे है ना तो धरती उनकी माँ समान ही है तो वो भूमि से ही आई और भूमि में ही उनका ये देह त्याग कह दो या उनका प्रवेश हो गया अ उसके बहुत सारे वर्षों बाद लक्ष्मण जी के साथ ऐसे होता है कि श्री राम किसी ऋषि उनसे मिलने आए होते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे अगर मुझे कोई भी डिस्टर्ब करेगा मैं इनके साथ जो चर्चा कर रहा हूं उस समय तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा ठीक है वो लक्ष्मण को कहते हैं किसी को आने मत देना पर संजोग वर्ष को कुछ ऐसा होता है जिसके कारण लक्ष्मण को स्वयं उनको डिस्टर्ब करना पड़ता है ठीक है बट इट वॉज अ वेरी अर्जेंट थिंग इसलिए वो डिस्टर्ब करते हैं पर फिर श्रीराम कहते हैं नहीं आई अंडरस्टैंड किया मुझे पता है कि इस कारण वर्ष तुमने ऐसे किया तो तुम्हें मृत्यु दंड की आवश्यकता नहीं है पर ही से, नहीं नहीं मुझे तो जाना ही पड़ेगा एंड वो जाते हैं वो अयोध्या छोड़ के चले जाते हैं फिर ऐसा उसमें डिस्क्रिप्शन है कि फिर वो क्योंकि वो नाग शेष नाग थे ना तो वो फिर अपने स्वर्ग चले जाकर अपना जो ओरिजिनल रूप है वो ले लेते हैं उसके कुछ वर्षों बाद श्रीराम ऑल्सो डिसाइड्स कि अब देह त्याग का समय आ गया है तो भरत को कोई पार्ट सौंप कर लव और कुश को अपने अपने राज्य सौंप कर वो स्वयं पानी जल प्रवेश करते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ जैसे सुग्रीव वगैरह हनुमान जी यही रहते हैं बट सुग्रीव और जो बाकी कुछ बानर हैं और अयोध्या वासी उन सबके साथ वो जल प्रवेश करते हैं हनुमान जी के लिए तो यही कहते हैं कि वो हमारे हैं अभी भी हाँ ऐसा कहते हैं तो उन्होंने नहीं किया वो रहे थे पर बाकी उनके साथ लोगों ने जल प्रवेश किया तो ये जो बात है ये आती है उत्तरकांड में बट एज एड उत्तर कांड का होना नहीं होना इसी पे एक प्रश्न चिन्ह मैम हनुमान जी का नाम आया है तो आ, मुझे ये जानना है जैसे हनुमान जी को दिखाया जाता है या जो भी उनकी मूर्ति होती है या जो भी फ़ोटोज़ या प्रेजेंट किया जाता है कि वो आधे वानर और आधे इंसान थे तो ऐसे क्रीचर्स अब कहाँ वैनिश हो गए और <laughs> मतलब अगर थे तो अब क्यों नहीं है क्योंकि ह्यूमंस तो इंसान तो आज भी है वैसे ही हैं दो हाथ दो पैर पर वो वाली स्पीशीज क्या वो बोल भी सकते थे और वो थे तो वो आ, अब क्यों नहीं है वानर का जो डेफिनेशन आता है वाल्मीकि रामायण में वो कहते हैं जो वन के रहवासी है वो वानर ठीक okay. है okay. तो उनको जो आज हम मंकी समझते हैं ठीक है, है? वो exactly वैसे थे या नहीं थे ठीक है वो उनका आज भी अगर आप देखो तो एमेजोन और अफ्रीका या उन आज भी जो जंगल है वहां गहन जंगलों में जो ट्राइब्स रहते हैं उनके आप फीचर्स देखना है ना वो दे हैव अ प्रोट्रूडिंग जॉ इस टाइप का होता है आदि मानव जिनको हम कहते हैं उस टाइप के तो प्रोबेबली उस किस्म के ये रहे होंगे उन किस्म की ट्राइब रही होगी अच्छा पर वो मनुष्यों से अलग थे ये मैं मानने को इसीलिए नहीं तैयार हूं क्योंकि उनकी बोली हमारे जैसी है इनफैक्ट एक प्रसंग आता है जब पहली बार हनुमान जी और श्रीराम जी मिलते हैं कहां मिलते हैं किष्किंधा में ठीक है क्योंकि किष्किंधा में श्रीराम और लक्ष्मण गए हैं सुग्रीव से भेंट करने क्योंकि सीता माँ को वो ढूंढना चाह रहे हैं और उनको कोई बताता है कि सुग्रीव आपकी सहायता कर सकते हैं तो उस समय सुग्रीव जब देखता है कि अरे दो युवराज ऐसे हट्टे कट्टे यंग प्रिंसेस वो आ रहे हैं इधर तो उसे पहले लगता है कि कहीं उसका जो बड़ा भाई है वाली उसने इन दोनों को सुग्रीव को मारने भेजा है इसलिए वो बहुत डर जाता है तो वो उसे लगता है कि ये पता नहीं कौन है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए तो हनुमान जी कहते हैं आप ऐसे टेंशन मत लो हमें पता करना चाहिए कि ये है कौन और क्यों आए हैं तो सुग्रीव कहते हैं आप ही जाओ उनकी परीक्षा करने के लिए तो जब आते हैं हनुमान जी और श्री राम और लक्ष्मण के साथ उनकी जो भेंट होती है तो श्री राम लक्ष्मण से उनके विषय में हनुमान के विषय हनुमान जी के विषय में अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि इनकी जो वाणी है वो उसी की हो सकती है जिसने तीनों वेदों का अध्ययन किया हो अब अगर हम मंकी समझे तो क्या उनकी वाणी ऐसी हो सकती है जिन्होंने तीनों वेदों का अध्ययन किया हो मतलब उनको जो मनुष्यों की भाषा थी जो संस्कृत जो हम कहते हैं वही वो बोलते होंगे तभी तो ना तो और भी आप देखो तो देवा वेरी देवा वेरी स्ट्रांग बहुत ही शक्तिशाली वो थे ठीक है और Uh, कुछ कुछ फीचर्स से हमें लगता है कि अच्छा पता नहीं क्या होगा जैसे वो पूछ की बात आती है पर अगर आप देखो तो आज भी कुछ कुछ ट्राइब्स है वो कपड़े ऐसे पहनते हैं क्योंकि वन में रहते हैं तो वो कैमोफ्लाज हो जाना चाहिए है ना वहां जंगल के प्राणियों के साथ तो कदाचित इसलिए ऐसा कुछ उन्होंने वेश लिया हो वी डोंट नो ठीक है तो वी डोंट एग्जैक्टली नो कि वो क्या ट्राइब थी क्या नहीं थी पर जो कार्य उन्होंने किए हैं जो उनका डिस्क्रिप्शन आता है उससे ये मनुष्य से एकदम भिन्न थे ऐसा तो पक्का नहीं था

सन को एक बार था था या खाया था। निकला 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 थे में हाँ। हाँ। तो करते। मैं चाहता आप थोड़ा है बारे में। उसमें कथा ये है कि वो छलांग लगाते हैं ठीक है सूर्य तक पहुंचने की उनको लगता है कि हाँ आम है तो आम को खाने के लिए वो जाते हैं पर वो कोई एक्चुअली थोड़े निकलते हैं वो तो उतनी ऊंची छलांग लगाते हैं तो द पॉइंट इज कि उनमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य था कि वो इतना ऊंचा जंप लगा सकते थे जो और कोई नहीं लगा सकता था हाँ। बट हम बच्चों को ऐसा दिखाया गया मूवीज में कि उन्होंने मतलब तभी उन पे तभी उनको वो होता है ना कि पावर्स तुम भूल जाओगे ऐसा हाँ, श्राप मिलता वही वो जो कथा है उसमें वो इतना जंप मारते हैं और गिर जाते हैं तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है जो फोटो तो नहीं नहीं वो तो ऐसे ही बच्चों को <laughs> और ऐसा भी तो... के लिए दिखा अच्छा, रहे अच्छा और दूसरी बात क्या है कि वाल्मीकि रामायण और जो रामायण के रिटेलिंग्स है जिसमें मानस आ गया या कंब रामायण आ गया या और भी कोई आ गए उसमें कत... उसमें जो कथाएं है उनको और डिस्क्रिप्टिव मेटोफोर्स दे के और भी कहा गया है ठीक है तो कहीं ना कहीं वो इमेज आता है कि अच्छा वो उनको निकल गए जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ हम सबको लगता है कि वो लक्ष्मण रेखा थी है ना कि वो लक्ष्मण रेखा उन्होंने ड्रॉ कर दी और कह दिया कि इसके जो भी पार करे पार नहीं जो इसके अंदर तक वो आप सेफ हो ठीक है वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा की बात ही नहीं है क्योंकि वैसे आप देखो तो ऐसा कुछ होता है क्या लाइन कर दी और सुरक्षित हो गए ऐसा नहीं होता लेकिन अगर ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है कभी हुआ ही नहीं है तो ये इस बारे में दिखाया क्यों गया टेलीविजन पर क्योंकि देखो एक है इतिहास जो रामायण और महाभारत है पर ये इतिहास को हम लोगों तक कैसे पहुंचाए तो बहुत सारे लोगों ने इस पे और लिखा ठीक है जब लोगों ने लिखा तो उसमें बहुत सारे मेटाफोर्स ऐड कर दिए गए हम पंचतंत्र पढ़ते हैं ठीक है पंचतंत्र में हम देखते हैं कि प्राणी एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो क्या सच्ची में थोड़ी प्राणी बात कर रहे हैं ये तो कहा ऐसे गया है जिससे हमें सीख मिले ठीक okay. है तो उस तरीके से कुछ कुछ चीजें जो है वो ऐड हो जाती है अब मैं लक्ष्मण रेखा की ही बात करूं तो लक्ष्मण रेखा देर इज नो लिटरल रेखा right. परंतु हम जो कहते हैं ना कि पता है इंग्लिश में हम कहते हैं लाइन वॉज क्रॉस्ड लाइन वॉज डेफिनेटली क्रॉस्ड जब सीता माँ ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो वो उल्लंघन हुआ है लक्ष्मण के धैर्य और सहनशीलता का उल्लंघन हुआ है okay. ठीक है कैसे क्योंकि लक्ष्मण जो थे जो वो मारीच की बात आती है कि हे लक्ष्मण हे सीता मुझे बचाओ जो श्रीराम की आवाज में वो बोलता है तो लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ आप निश्चिंत रहिए ऐसे श्रीराम को कोई हरा नहीं सकता पर सीता माँ कहती है कि नहीं नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा लक्ष्मण कहते नहीं उन्होंने मुझे श्रीराम ने कहा आपको बचाना है तो मैं तो नहीं जा सकता तो सीता सीतामा उनको भेजने के लिए इतने तक कहती है कि नहीं मैं जानती हूँ तुम क्यों नहीं जा रहे हो तुम इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम तुम्हारे भाई से द्वेष करते हो तुम मुझे पाना चाहते हो इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो अच्छा। पर मैं तुम्हें कह देती हूँ तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी ये वो ठीक है फिर लक्ष्मण कहते हैं कि आपके जो शब्द है वो मेरे कानों में वो पिघा पिघला हुआ लोहा है ना वैसे चुभ रहे हैं तो मैं जाता हूँ ये वन भले आपकी वन देवता जो है वो आपकी रक्षा करें ठीक है तो ऐसा करके तो वो धैर्य की रेखा का उल्लंघन हुआ है उनके सहनशीलता की रेखा का वो फिर मेटाफर में दे दिया है। की आ। तो लक्ष्मण लक्ष्मण है। रेखा वाली चीज नहीं थी बट अच्छा जो रावण आए थे उन्होंने दूसरा भेज लिया था दैट वॉज ऑल रियल राइट वो दूसरा वेश लेके आए थे क्योंकि अगर आप भिक्षा मांगने जा रहे हो तो आपको अगर ऋषि के वेश में जाओगे तो कोई भी देगा ना भिक्षा तो इट वॉज जस्ट दैट हाँ इधर उधर वाला कुछ नहीं था ही मांगते हैं और सीता माँ उनको क्योंकि अतिथि आए हैं ऋषि है, है इसीलिए वो देने जाती हैं। है All right. अच्छा मैम हमारी जो हिस्ट्री है मतलब जो कहा जाता है कि टाइम को चार युगों में बांटा गया है ना अभी कहते हैं कलयुग चल रहा है और कहते हैं जो राम जी का युग था सतयुग उसमें सब बहुत त्रेता युग था सॉरी तो उसमें आ, मतलब हर युग की अपनी अपनी बात बताई गई है कि टाइम के साथ लोग नास्तिक होते जाएंगे और पर अगर हम देखें तो महाभारत के टाइम या रामायण जब हुई तो चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही रही हैं जैसे आज भी है झूठ बोलना छल कपट स्त्री का अपमान ये सब तब भी भी होता होता था, आज भी होता आ रहा है, तो ये सच है कि चार युग हैं, आगे जाके कहते इंसान इंसान को खाएगा आप मानते तो तो, तो हाँ। अगर, अगर हम प्रकृति के इससे देखें तो डेफिनेटली ओवर टाइम प्रकृति का नुकसान तो होते ही जा रहा है हाँ। अधिक से अधिक है ना वी नेचर सिग्निफिकेंटली वी बीन एक्सप्लॉइटिंग अर्थ सिग्निफिकटली ओवरऑल जो वैल्यू सिस्टम लोगों का है आप देखो पहले कंजर्वेटिव फैमिलीज होते थे अब डिवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं अच्छा या बुरा इज अ डिफरेंट थिंग ठीक है कोई कहेगा कि ये तो अच्छा है ना अगर दुखी हो साथ हो के उससे अल, अलग हो जाओ बट इन जनरल जो लोगों में सहनशीलता थी वो कम हो गई है जो मेंटल पावर्स होते थे वो टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी हो गई है तो वो कम हो गए तो ओवरऑल अध्यात्म कम होके मटीरियल लाइफ बढ़ते जा रही है ठीक है पॉसिबली पॉसिबली जो क्रिमिनल ऑफेंसेस अभी होते हैं वो शायद इतने नहीं होते होंगे वी यियर अबाउट अगर हम कुछ वर्षों पहले इफ यू सी द प्रीवियस जनरेशन सो वी नो द मेंटल पिछले 200 वर्षों में हुआ है mm -hmm. तो पॉसिबली दैट इज व्हाट दे मीन कि हाँ तभी जो था उससे अभी डिट्यूरियोरेट हुआ है पर चार युग थे नहीं, is, the, the कि नहीं दिस इज वॉट वी डोंट नो दिस इज द वन थिंग विच आई विल से हम टाइम को लीनियर गिनते हैं जनरली ठीक है हमारे सनातन व्यू पॉइंट के हिसाब से टाइम इज नॉट लीनियर टाइम इज सर्क्युलर okay. तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया थिंग्स कीप मूविंग अच्छे से बुरा बुरे से अच्छा अच्छे से बुरा वो चलते रहेगा इसीलिए सारा विनाश जो भी वो कहते हैं हो जाएगा उसके बाद वापस इवोल्यूशन होना अच्छा होना ये सब होता ही है ऑल्सो दे से कि हाँ बुरा ही होता जाएगा ये वो तो वो सबकी बात नहीं कर रहे हैं इट्स एन ओवरऑल परसेप्शन जैसे अगर हम रामायण और महाभारत में ही देखे है ना तो रामायण के में जो भाइयों का रिलेशन है अगेन इट्स नॉट कॉन्स्टेंट जो जो राम जी के फैमिली के भाई है वो एक हाँ। पर वैसा रिलेशन रावण के भाइयों और वाली और सुखरीव के बीच नहीं है नहीं, ठीक है पर जिस तरीके से युद्ध हो गया महाभारत में दो कजन्स के बीच हाँ। वैसा वहां नहीं हुआ तो पॉसिबली दैट इज वॉट दे मीन कि हाँ ओवर टाइम थोड़ा थोड़ा हुआ होता जाएगा बट दैट सेड मनुष्य तो मनुष्य है कुछ भी हो जो हमारे में जो काम क्रोध लोभ मोह मद जैसे लोग मोहम्मद कहते हैं कि गुस्सा आना ग्रीड ये सब वो तो हमेशा से रहे ही है hmm. वो तभी भी थे अभी भी थे तभी भी जो विनाश हुआ वो इसी के कारण हुआ बिकॉज ऑफ दोज इम्पल्स विच पीपल हैड राइट पॉसिबली द पॉइंट इज कि ओवर टाइम अधिक लोगों में ये इंपल्सिस और भी बढ़ जाएंगे कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाएगा तब तो ऋषि तपस्या वो सब बहुत करते थे अब वो और भी कम हो गया hmm. पर मनुष्य का साइकोलॉजी और इनहेरेंट इम्पल्स तो वही का वही रहेगा <laughs> एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ मैं ना एक मैं रामायण ही देख रहा था कुछ दिनों पहले तो उसमें एक सीन था कि जहाँ पे विष्णु जी hmm. रा, रावण जो थे उन उस टाइम पे वो उनके गेट कीपर थे हाँ, विष्णु जी के तो वहां पे सीन था कि आ, कोई कुछ ऋषि आते हैं उनके पास तो वो कहते हैं कि हमें अभी विष्णु जी से मिलना है तो आप प्लीज मिला दो तो वो मना कर देते हैं कि नहीं अभी वो विश्राम कर रहे हैं अभी आप नहीं मिल सकते तो वो उनको श्राप दे देते हैं कि आप अगले जन आप मनुष्य बनोगे तो मेरा ये पूछना है आपसे कि क्या मनुष्य बनना एक श्राप है या फिर एक आफ्टर लाइफ जो होती है कि अह उसमें आप रियलाइज करते हो कि अच्छा यार हम तो नरक में थे असली लाइफ तो ये है ऐसा कुछ होता है हम हम आपस में भी डिस्कस करते रहते हैं इस बारे में जैसे बहुत लोग कहते हैं ये सब एक ड्रीम चल रहा है जब आप मरोगे तो मतलब आप उड़ जाओगे ऐसा भी ऐसी भी थ्योरीज है तो आपका क्या <laughs> टेक है इस जो जगत मिथ्या वाली बात है वो तो क्या पता है ना कि ऐसी कहानियां भी है कि अह एक आ, मैं पहले एक कहानी बताती हूँ फिर आपका उत्तर देती हूँ मैं तो राजा जनक थे एक बार तो आ, बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे बहुत समृद्धि उनके पास थी पर एक दिन क्या होता है उन पे कोई चढ़ाई कर लेता है कोई दुश्मन और वो हार जाते हैं तो हार जाते हैं तो समृद्धि भी चली गई वो सम्भाव अपना अपने अपने जान बचा के भाग जाते हैं वहां से पर अब उनको भूख लगती है तो भूख के लिए क्या करें उनके पास ना कुछ खाना है ना कुछ है तो वो खाना ढूंढते ढूंढते घूम रहे हैं फिर कहीं तो वो खाना मिलता है तो वो जो खाने के लाइन में वो खड़े होते हैं ये राजा जो हमेशा सबको आश्रय देते हैं सबको दान दक्षिणा देते हैं उनके पास आज खाने को भी नहीं है ठीक हाँ। है तो वो जहाँ पे वो कई बार वो लंगर लगती है ना तो वैसे खाना के लिए लाइन में लगते हैं पर वो फिर जहां जब खाने की बात आती है लेने की तो वो कहते हैं नहीं नहीं अपना बर्तन लेके आओ अपना बर्तन लेके आओगे तो ही मिलेगा बर्तन नहीं लाओगे तो कुछ नहीं तो फिर वो वापस जाते हैं कि कहाँ से बर्तन लाऊं तो उनको वो एक कुम्हार मिलता है जो पॉट्स बनाते हैं तो वो भी कहता है नहीं पैसा नहीं पैसे नहीं दोगे तो ये नहीं होगा वगैरह वगैरह संभाव करके उनको वो पात्र भी मिलता है पर वापस जब खाने जाते हैं तो वो पात्र टूट जाता है समथिंग लाइक like, लेने जाते हैं तो और जब वो पात्र टूटता है अभी इसे है सोचो राजा की ऐसी हालत तो मन में कितना दुख और कितना एजिटेशन होगा उद्वेग होगा पर और वो पात्र भी टूट गया जो बेचारे समहा उन्होंने वो पॉटर से मांग के लिया था पर जैसे ही पात्र टूटता है तो उनकी नींद खुल जाती है अब वो सोच रहे हैं कि वो सत्य था या ये सत्य है तो फिर उसके बाद एक पूरा वो डिस्कशन डिस्कोर्स है वो अष्टावक्र के साथ वगैरह बट दिस इज द थिंग तो वी नेवर नो है ना ये सत्य है कि क्या सत्य है आपका प्रश्न था क्या मनुष्य जन्म श्राप है हां श्राप Uh, हम श्राप बेसिकली uh, मनुष्य जन्म अच्छा है बुरा हम किसे कहते हैं कि किसी का भी आप जीवन देख लो ठीक है ऐसा नहीं है कि हमेशा खुशी है हाँ। कोई भी हो जाए फिर वो अंबानी क्यों ना हो ठीक है? है खुशी है, दुख, दुख, है, खुशी है दुख, दुख है खुशी है दुख है सो दिस कीप्स ऑन गोइंग तो क्या है ना सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन की क्या है इससे छूट जाना है ठीक हाँ। है तो हम जब कहते हैं कि मोक्ष मिल गया तो बेसिकली ये जो संसार सागर से मुक्त हो गए

Uh, उसके कारण दुख भी होता है सुख भी मिलता है सुख जो मिलता है वो भी क्षण भंगूर है टेम्पररी है right. तो उस तरह उस प्रकार आप देखो तो हाँ मतलब यू गो थ्रू ऑल दिस बट डू आई बिलीव इट्स अ श्रॉप नॉट एट ऑल है ना ये जो तो हम कर रहे हैं ये सब मनुष्य जन्म है तो ही कर पा रहे हैं स्वर्ग का किसने देखा है <laughs> <laughs> तो मतलब जो एनलाइटेड लोग हैं वो एट प्रेजेंट भी रहते हुए भी स्वर्ग में है मेंटली वैसे एग्जैक्टली तो अगर मैं जैसे सोचती हूँ हम आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी लिविंग अ गुड लाइफ वैल्यूज इसका इसकी क्यों आवश्यकता है मृत्यु के बाद जो होगा वो तो ठीक है है ना पर आज क्या हम शांति से जी सकते हैं शांति से हम कब जी सकते हैं जब हमारे अंदर कोई गिल्ट ना हो ठीक है वो गिल्ट ना हो क्योंकि हम कुछ भी करें ना दुनिया को भले हम एक चेहरा दिखाए दुनिया को भले लगे कि अरे ये बहुत अच्छे हैं हाँ, हम तो जानते हैं हम क्या करते हैं है ना हम क्या गुल खिलाते हैं हम जानते हैं हम अपने किसी और को ना कहे पर हमको तो एक्सेप्ट कर, हम तो करते ही है ना, ये डिप्रेशन, बार, ये सारा क्यों होता है तो बहुत पैसे होने के बाद भी आप नर्क में। कुछ नहीं है शांति है रोज शांति से सो पाते हो पाँच छह घंटा नींद निकाल पाते हो खाने को मिल जाता है एटीट्यूड अच्छा है तो यही स्वर्ग भी है इस बारे में सोचो तो कितना सही है <laughs> अच्छा कमिंग बैक टू रामायण मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि uh, <clears throat> कहा जाता है कि जो रावण थे वो उनके पास एक यंत्र था जो वो उड़ पाते थे हुँ. और आ, आजकल जो आर्टिकल जैसे दिखाया जाता है कि वो उस जमाने में उड़ पाते थे तो ही वाज अ साइंटिस्ट उनके पास वो उस जमाने में वो अटैक टेक्निक कैसे आ गई हाँ. तो इस बारे में थोड़ा बताओ अच्छा uh... पहली बात तो रावण के पास अगर वो था भी वो पुष्पक विमान का आप पूछ रहे हैं है ना वो पुष्पक विमान अगर रावण रावण के पास था भी तो भी तो साइंटिस्ट नहीं बन सकता क्योंकि वो पुष्पक विमान कुबेर का था जो उन्होंने ले लिया था ठीक है तो अगर होंगे कोई साइंटिस्ट तो कुबेर के कैटेगरी में होंगे ठीक है दैट सेड पुष्पक विमान के उड़ने की बात तो आई है कि वो कुछ विमान जैसे था उसमें वो आए थे अब वो क्या टेक्नोलॉजी है क्या नहीं वी डोंट नो बट इट डस है और उसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी थी क्योंकि जो वानर सेना वो पूरी उसमें समा गई थी अलोंग विथ राम जी लक्ष्मण जी सीता जी जब वो वापस आ रहे थे तो फिर तो तो ये डिस्क्रिप्शन तो आता ही है हाँ डिस्क्रिप्शन तो आता है कोई ना कोई तरीके से वो लंका से वापस तो आए थे ठीक है कैसे आए थे वी डोंट नो उसके लिए वो कहते हैं पुष्पक विमान था तो दूसरा तो क्या है ना हम कई बार हमको ऐसा लगता है कि जो है अभी है पहले कुछ नहीं था पर अगर पहले इतना सिविलाइजेशन इतना इस्टेब्लिश था अगर आप वहाँ के जो अयोध्या का या किशकिधा का या राव लंका का डिस्क्रिप्शन देखो ना तो जो बहुत मंजिली इमारत इमारतें तभी भी थी एटलीस्ट वो बात तो करते हैं ठीक है तो बहुत सारी चीजें तब थी जो शायद हमें नहीं पता उनका जो फिजिक्स या जो भी आज, वो एरोडायनामिक्स के हिसाब से वो करते होंगे वी हैव लॉस्ट दैट साइंस नाउ सो वी रियली कांट से वो क्या था सो आई डोंट नो द आंसर इज व्हाट आई विल से अच्छा मैं श्राप को लेके दोबारा बात करना चाहता हूं कि उस टाइम पे क्या सच में जो थे लोग उनकी जो सोल थी वो इतनी प्योर थी कि वो उन्होंने कुछ भी बोला वो हो जाता था कदाचित ऐसे था अगर अगर किसी मनुष्य की तपस्या बहुत कड़ी हो लाइफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो दिमाग पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो तो योग शास्त्र में भी कहते हैं कि उनको कुछ कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है, है? उन लोगों का केवल उन लोगों का कहना सत्य हो सकता है ठीक है सबके बस का नहीं है तो किसी का भी श्राप किसने भी बोल दिया ऐसे नहीं लगता परंतु अगर उतनी सिद्धि मनुष्य में आई है तो होता है इसीलिए आप देखो यूजुअली ऋषि और किसी का कुछ नहीं होता है हाँ। जब ऋषियों का श्राप होता है या ऐसी कोई बहुत ही अधिक तपस्या, इतने डिसिप्लिन से जब कोई रहता है कंसिस्टेंटली ठीक है तो वो तप स्वाध्याय के कारण सिद्धियां आती है तो क्या मतलब इस टाइम पे भी ऐसा है कि कैपेबल हो सकते हो आप किसी को श्राप दो और वो सच हो जाए मतलब इतना तो आप, अपने अंदर ला सकते हैं क्या हाँ, है। आप किसी सिद्ध इंसान से हाँ। मिले हो जिसको आज भी आप मैंने कि, 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 किसी किसी गुरुओं का सुना है ठीक है कि आ, श्राप का तो नहीं क्योंकि टिपिकली बुरा नहीं करेंगे वो किसी का पर अच्छा तो करवाते हैं ठीक है कि उनके जो भी मन संकल्प के कारण जैसे एक जो बात मैंने सुनी थी एक उन्हीं के द्वारा सुनी थी जिनके जीवन में ये हुआ तो ही वेरी वेरी सीरियस एक्सीडेंट और उनके जो गुरुजी थे वो उनके पास नहीं थे गुरुजी तो बहुत दूर रहते थे बट सम्हा गुरु जी ये कहते हैं कि गुरु गुरुजी को उसी समय ही वो गुरु ध्यान में थे और उसी समय उनको पता था कि ये हुआ ठीक है और उन्होंने क्या किया वो नहीं मालूम बट समा दिस गाय उनकी हड्डियां टूट गई थी इट वॉज इम्पॉसिबल कि वो बचेंगे ठीक है सर पे फ्रैक्चर हो गया था पर तीन महीने के अंदर अंदर वो एक्चुअली उठकर चलना शुरू करा वो कहते हैं कि सारा गुरुजी जी के कारण है एंड कहते हैं कि गुरुजी ने उसी टाइम पे ही वॉज वेरी फार अवे ठीक है उसी टाइम पे दूसरे शिष्य को कहा कि इनको फोन करो कहाँ पर है कुछ ठीक नहीं है और वो उनका फोन आया कि क्या ये है तो उनके घर वालों के इसमें तब ये हो चुका था ठीक है तो ऐसा भी होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन तो आज भी कई लोगों का होता है कि so well, कि इफ यू आर कनेक्टेड सो वेल आज भी वो इंट्यूशन तो होता है सेंस जिसको करेक्ट वो इवन अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी देखोगे हाँ। तो ही टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ दी सच सिद्ध पुरुष जो उनके गुरु भी थे वैसे बट ऐसे किसी का भी नहीं हो सकता एक तो यह है कि हम कहते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार हो और उसको आप उस तप स्वाध्याय पूर्ण जीवन के साथ जियो तो ही ये हो सकता है सबके बस की बात नहीं है अच्छा मैम एक बात बताओ क्या राम जी और कृष्ण जी का सोल पर्पज ही वो था कि आ, जैसे होता है ना जैसे कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है जब जब अधर्म बढ़ेगा तो मैं आऊंगा अवतार लेकर तो क्या उनका सोल पर्पज ही वो था जैसे कंस के बारे में हमें पता है और रावण के बारे में पता है क्या वो ही सोल परपस था और अगर वो ही था तो वो तो गॉड है वो तो वैसे ही फिनिश कर देते तो उन्होंने इतना लाइफ स्पैन पूरा मनुष्य जीवन और सुख दुख क्यों बिताए धरती पे देखो जब अवतार भी लेते हैं और वो मनुष्य रूप में है तो मनुष्य के जीवन के जो भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं लिमिटेशंस हैं वो तो उन पर भी लागू होंगे अच्छा ठीक है तो मतलब अगर वो ह्यूमन बॉडी में तो उन्हें पता नहीं है कि मैं गॉड तो, तो, तो फिर उनको छोटा होने की भी आवश्यकता नहीं है जन्मे ही बड़े हो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है ठीक है यूजुअल जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उससे उनका जन्म हुआ यूजुअल प्रोसेस में वो छोटे से बड़े हुए बड़े से वृद्ध हुए है ना तो ये सब तो हुआ ही द नेचुरल लॉज विल नॉट चेंज वो तो उन उनपे होगा ही उनका सामर्थ्य लोगों से और अधिक हो सकता है उनका इंट्यूशन लोगों से और अधिक हो सकता है ठीक है पर सोल पर्पज उनका धर्म स्थापना सा, सा, तो था ही और राइट प्रेसिडेंट्स भी सेट करना था दुनिया के लिए ठीक है अब धर्म स्थापना इज अ ह्यूज कॉज क्योंकि धर्म स्थापना का अर्थ क्या सिर्फ बुरे लोगों को मार दो ऐसा नहीं धर्म का अर्थ अगर हम देखे ना धर्म का अर्थ आपको किसी को पता है रियल मीनिंग तो नहीं पता जो भी बताओ धर्म का हमने तो यही सुना है इज अ वे ऑफ वे ऑफ लाइफ ठीक है तो हम हमारे में वे ऑफ लिविंग कहते हैं बट धर्म का धातु जो है वर्ड संस्कृत के सारे जो शब्द हैं उनके वर्ड्स होते हैं ठीक है तो जैसे धरती धर्म धैर्य इन सबका एक जो धातु शब्द है वो है ध्रुव ठीक है तो ध्रुव का अर्थ होता है टू अपहोल्ड जैसे धरती हम सबको सपोर्ट करती है ठीक है धैर्य मतलब हम सपोर्ट वो पेशेंस हमको देता है धारण करना मतलब वी होल्ड समथिंग Right? धर्म इज ऑल्सो इन सिमिलर लाइंस इट इज मतलब कोई भी जो व्यवस्था है वो चलती रहे ठीक hmm. है पर क्या चलता रहे समाज चलता रहे ठीक है hmm. चलते रहने का अर्थ क्या अगर बहुत ही ज्यादा हिंसा बढ़ जाएगी लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे जो विलेज जो ऐसे लोग हैं जो इस, वे और हाईवे मेरा अहंकार उसके लिए किसी भी बात की बलि चढ़ सकती है ऐसे लोग बढ़ गए तो क्या समाज चल पाएगा समाज का नहीं चल पाएगा विनाश हो जाएगा उसका है ना तो समाज को ऐसे परिस्थिति में लाना कि वो चलता रहे और चलता कब रहे कि उसकी समृद्धि होती रहे राइट देर शुड बी प्रोग्रेस पीपल हैप्पी तो ही वो समाज चलने का कोई मतलब है सस्टेनेबिलिटी का कोई मतलब है तो ऐसा सस्टेनेबल सिस्टम इस्टेब्लिश करना दैट इज धर्म संस्थापन ठीक है तो सिर्फ दुष्टों को मारना ये नहीं बट जो लोग हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करना टू लिव लाइफ सो दैट द पार्ट दे आर ऑफ द जो भी उनका सिस्टम है वो चलता रहे तो क्या ये इवेंट्स भी महाभारत का जब कृष्ण जी आए या राम जी आए तो क्या इवेंट्स भी पहले से प्री प्लान थे कि उनकी लाइफ ऐसी ही रहने वाली है आ, कि महाभारत होगी फिर कृष्ण जी गीता ज्ञान देंगे तो गीता का ज्ञान देने के लिए उन्होंने ये पूरा इवेंट रचा था क्या वो प्री प्लान था ये मैं नहीं जानती ठीक है कि क्योंकि उनको हम भगवान गिनते हैं तो पॉसिबली ही हैड एन आइडिया ठीक है और वो हम महाभारत में ये भी आता है कि उनको पता था जबकि श्री राम का जो वाल्मीकि रामायण में है वो उनको उनका जीवन में उन्हें पता नहीं है कि ही हैज टिल द वेरी एंड अंत में जाके उनको शायद वो रियलाइजेशन भी होता है या अगर उनको रियलाइजेशन था तो उसकी बात नहीं हुई है अनलाइक महाभारत जहाँ श्री कृष्ण की थी उनको कदाचित पता होगा भी ठीक है पर उनके पता होने नहीं पता होने का हमको क्या फायदा क्योंकि हमको तो कभी पता हो ही नहीं सकता है ठीक oh, है देन हाउ शुड वी टेक दिस ठीक है उनको पता हो ना पता हो ठीक है पर क्या हमको पता होता है जीवन में क्या होने वाला है नहीं, नहीं। तो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए क्या हम ऐसा अगर मान लेते हैं कि सब कुछ डिसाइडेड है ठीक है सब कुछ ही डिसाइडेड है तो व्हाट इज द मोटिवेशन टू वर्क अच्छा इसमें फिर कृष्ण कहते हैं कर्मणे व अधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचना कर्म पर आपका अधिकार है फल पर अधिकार नहीं है राइट right. अगेन right? ही कह वो कहते तो हैं hmm. अध्याय में दिस इज इन द अध्याय 18 अध्याय में वो कहते हैं कि कोई भी कार्य सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो सिद्धि हो या असिद्धि हो वो पांच वस्तुओं पे डिपेंड करती है ठीक है वो पांच वस्तुओं क्या है वस्तुएं क्या है पहला जो वो कार्य कर रहा है ठीक hmm. है आपकी पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हो रही है जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसे आना तो चाहिए अगर वो उनको आएगा ही नहीं जो डूअर है उसे आएगा ही नहीं तो विल दिस रिकॉर्डिंग हैपन नहीं इट विल फेल राइट दूसरा द रिसोर्स दैट यू आर यूजिंग आप सही कैमरा यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अगर आपका कैमरा अच्छा ना हो आप हम फोन वाले से कर देते हैं द क्वालिटी विल सफ़र राइट सो जो आप हिट करना चाहते हो वो नहीं होगा पृथक पिता चेष्टा हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है आप ये करते हो फिर उसका एडिटिंग करते हो एडिटिंग में आपका कुछ प्रोसेसेस होगा अगर आप वो प्रोसेस ना फॉलो करो

अगर ये चार वस्तुएं ना की हो तो डेस्टिनी काम right. में कहा आएगी करेक्ट right. डेस्टिनी को काम में लाने के लिए भी पहले पुरुषार्थ हार्डवर्क जो भी हम कहें और जैसा होना चाहिए वो तो करना ही पड़ेगा सो देर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ फ्री विल इवन फॉर अस हु आर नॉट भगवान राइट दैट एलिमेंट ऑफ फ्री विल इज ऑलवेज देर देर विल स्टिल बी फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है hmm. ठीक है जिसको हम भगवान का इंटर जो भी हम कहें पर हमारे करने के बिना तो कुछ नहीं होगा अच्छा मैम एक बात बताओ गीता में भगवान जी ने कृष्ण जी ने सब कुछ पूरी एक वे ऑफ लाइफ बताया है सात्विक भोजन खाना मेडिटेशन हर एक चीज बताई है है ना पर जो मतलब उन्होंने तीन गुणों में सब कुछ बताया है ना और ऐसा कहा जाता है कि नॉनवेज खाने से तमस बढ़ता है तामसिक गुण बढ़ते हैं जो कि इज नेगेटिव तो uh, ऐसा मतलब इसके बारे में क्या इज नॉनवेज बैड ऐसा नहीं है अगर हम हमारे पूर्वज भी देखें तो उन्होंने वो मांसाहार करते थे ठीक है ऐसा नहीं था कि नहीं करते थे और आज के दिन आज की हमारी जो लाइफ है वो एकदम अलग है आज की लाइफ हम क्या है ऑफिस अगर टेक्नोलॉजी का काम है तो भी हम आईटी काम कंप्यूटर पे बैठ के करते हैं कोई भी काम हो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है hmm. तब ऐसा नहीं था स्पेशली जो क्षत्रिय वैश्य जो होते थे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होता था फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए स्पेशली जो क्षत्रिय थे युद्ध करने के लिए यू नीड रजस एज वेल जो से गुण जो गुण है उसकी भी आवश्यकता होती है उसके लिए भी किया जाता था ठीक hmm. है मैम hmm. पे अगर देखा जाए खुद के लिए कर रहे हैं वो लोग तो मतलब अगर हाँ. अगर ये ये चीज चीज कहना it is completely, it is not completely bad या गलत हाँ. ये मेरे गलत मेरे हिसाब से है क्योंकि अगर तुम किसी और को संकट पहुंचा रहे हो अपने उसके लिए, हाँ. तो मैं ये नहीं कह रही कि आज नॉनवेज खाओ ठीक है मैं कह रही थी नॉनवेज खाया जाता था ठीक है आज भी खाया जाता है इतने सारे लोग अच्छा अब शेर खाता है ना नेचुरल इकोलॉजी अगर आप देखो तो नेचुरल इकोलॉजी में प्राणी प्राणी को खाते हैं उनको पूरा फूड चेन है ठीक है उस फूड चेन में पहले मनुष्य भी आते थे ठीक है पर वो कैसे होता था आज कैसे आ, आ, जैसे अन्न उगाया जाता है वैसे प्राणियों को केवल खाने के लिए उगा उगाया जाता है वो जो करते हैं तब ऐसा नहीं था आपको आपके खाने के लिए भी यू हैव टू हंट इट ठीक है तभी जो मिलेगा और उसमें भी स्पेसिफिक रूल्स होते थे कि आप कितना करो आप करे जाओ करे जाओ ऐसा नहीं होता था ठीक है पर मांसाहार होता था एंड स्पेशली स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल हु इन से वॉरफेयर ठीक है उनको आवश्यक होता था वो खाते थे उनके लिए नहीं खाना ऐसा कुछ भी नहीं था आयुर्वेद आप देखो तो आयुर्वेद में कितनी सारी मेडिसिन वगैरह हैं वो एनिमल बेस्ड होती है ठीक है तो पर अगेन उसका अर्थ तब खाते थे मतलब आज भी खाने लगो दैट इज नो जस्टिफिकेशन समय अनुसार हमें अपना करते रहना चाहिए तब तो जो भी खाना वाना भी होता था वो शुद्ध होता था अब तो ऐसा भी नहीं है सो so, अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से देखें तो देर इनफ स्टडीज आउट देर विच से मेरा क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये था मतलब बेसिकली ये था कि लोग ना एक्सक्यूज ले लेते हैं जैसे बहुत सारा हमारा यूथ है कि शिव जी नशा करते थे तो हम भी करेंगे आ, उनको शराब चढ़ती है तो हम ने गले में भी ले वही वो वो वही तो मेरा पर्पज़ यही था कि लोग ना इन्हें एक्सक्यूज बना के इन चीजों को आ, करते हैं मतलब नॉनवेज तो ऑफकोर्स खाने की सबकी अपनी चॉइस है बट जैसे अल्कोहल चढ़ती है तो लोग Uh, उसको एज ए मतलब करना है तो करते हैं बट एक्सक्यूज की तरह लेके करते तो मेरा क्वेश्चन पूछने का ये पर्पज था कि... आ, तो उसके लिए मैं ये कहूंगी कि जैसे मैंने कहा जब एक बार कोई सिद्ध हो जाए है ना उसके बाद वो कुछ भी करे तो फर्क नहीं पड़ता hmm. हम में से कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है। hmm. तो अगर हमको हमारे जीवन में सही से डिसीजन लेने होंगे तो वी है वो क्या करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग को खराब करते हैं राइट hmm. right? क्योंकि उनका उनका गुण तत्व वैसा है दे डिलूड अस राइट देव टू इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल ब्रेन के साथ मैसअप करते हैं तो हमारे में इतनी क्षमता नहीं आई है कि हम वो ना होने दें हमारे में इतनी सिद्धि नहीं है कि वी कैन अवॉइड दैट तो जो सिद्ध मनुष्य है उनके साथ कंपेयर करके हम हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते दैट इज फॉर श्योर वो कर रहे हैं इसलिए हम करें उन्होंने खाया इसलिए हम खाए नहीं ये दिस इज कंप्लीटली बेसलेस इट टू बी समय अनुसार आवश्यकता अनुसार ऑलवेज क्योंकि ये चल रहा है चल हाँ। तो ज़्यादा कि भोले करते थे वो नशा तो हम भी करेंगे भोले कैलाश में केवल एक वो वस्त्र में रहते थे हाँ। आप भी जाके रहो जब आप रह पाओ ना तब फिर ये सब करना तब आपको जो करना है करो है ना अगर उतनी सिद्धि आप हासिल कर लो अच्छा उसमें भी शिवजी कितने कितने घंटों वर्षों केवल ध्यान में बैठे रहते थे वो करना सीख जाओ शिवजी का एक पार्ट क्यों देख रहे हो दूसरा देखो वो करने लगो फिर सब करो ना सब कुछ उनके जैसा करो देन इट मेक्स सेंस आई गेस बहुत सारी वर्सेटाइल बातें हुई बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए एंड खत्म करते हैं वे पॉडकास्ट को और आई एम श्योर अगर लोगों को मजा आएगा तो हम फिर से आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहेंगे मैम कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बहुत मजा आया <laughs> ये चर्चा हाँ, है ऐसा लग रहा है कि आप हाँ, 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 ना बहुत बातें हैं ये बस स्पीक इट आउट नहीं नहीं, नहीं यार वो तो चलते हैं मैं कह रहा ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि यू कैन कीप टॉकिंग अबाउट देम एंड जो लोगों के मन में भी यंगस्टर्स में भी प्रश्न आते हैं वो गलत नहीं है है ना वो आते रहते हैं एंड प्रश्न आई ऑलवेज से कि प्रश्न पूछते रहने चाहिए yeah. ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि अरे बुक में लिखा है ना पुस्तक में लिखा है ना yeah. कृष्ण जी ने कहा था इसलिए खत्म नहीं पीपल हैव टू आस्क क्वेश्चंस इनफैक्ट गीता पूरा ही प्रश्नों पे आधारित है mm. वो ऐसा नहीं कहते कृष्ण अर्जुन को कि मैं बोल रहा हूँ उसे कर दे हाउ डेयर यू आस्क क्वेश्चन राइट ओनली वेन पीपल आस्क क्वेश्चन विल द आंसर्स कम आउट बट

तो आप कमेंट करो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया और आप इसका पार्ट टू चाहते हो तो हम अमी के साथ एक और बार पॉडकास्ट करेंगे इसी सीज़न में एंड uh, अमी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो गोल बटन यहाँ पर आ रहा है जाकर इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो इनके पास बहुत सारा ज्ञान है तो आपको अलग अलग रूप में और ये बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं आज तो हम कुछ ही टॉपिक्स uh, उठा पाए बट फॉलो uh, करो और uh, बस मिलते हैं आपसे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो प्यार दे दो चलो मिलते हैं बाय बाय दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ शेयर जरूर करना क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए पॉडकास्ट लाने के लिए साथ ही साथ हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल मीटअप तो मीटअप का रजिस्ट्रेशन लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाकर रजिस्टर कर दो बिल्कुल फ्री है तो जल्दी से रजिस्टर कर दो और हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सारी रिलेटेड जो डिटेल्स है वो उस पर आएंगी और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो ठीक है जी जाओ और सबसे मिलना फटाफट फड़ जाओ लिंक पे क्लिक कर लो हमें मिलना है भाई सबसे आ जाओ फटाफट